जनसंख्या वृद्धि ने हमारे देश के समक्ष बेरोजगारी, कुपोषण, महंगाई जैसी ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इसी गंभीर समस्या पे हम सब आपके सामने एक रोल प्ले पेश करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर समस्या। माँ, माँ, ये बंदरियाँ मुझे पढ़ने नहीं दे रही। रुको, इनको अभी बताती हूँ मैं। आज फिर से पीकर आए हो? काम से कुछ पैसे मिले? क्या सारा दिन पैसे पैसे? जा जा के खाना लेकर आ। घर में राशन तो है नहीं, हवा पानी ले आऊँ? जब मुझे ही खा जाओ। सोनू, दे अपनी माँ को पैसे। पिताजी, माँ, वो बस इतने ही बचे थे। तूने भी शराब पी रखी है? माँ, वो पिताजी ने थोड़ी सी। हे भगवान, यही देखना रह गया था। एक राक्षस कम था तो तूने भी शराब पी है। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? किशन सिंह जी, घर पे ही हो? मैडम जी, मुझे तो लग रहा है कि मैं घर पे नहीं हूँ। चलो हटो, मैम से, मैडम जी से मैं बात करती हूँ। आओ मैडम जी, बैठो। नहीं, बैठना क्या है, मैं तो बस ये पूछने आई थी कि आपका बेटा सोनू स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। इसकी बोर्ड की परीक्षा भी है, अगर ये स्कूल नहीं आएगा तो इसका स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। काट दो, स्कूल जाके अब ये क्या करेगा? पढ़ लिया इसने जितना पढ़ना था, अब ये मेरा शेर मेरे साथ काम करेगा। अगर ये पढ़ेगा नहीं तो अपनी जिंदगी में कुछ करेगा कैसे? अरे, कितनी प्यारी बच्चियां हैं। किसकी बच्चियां हैं ये? मैडम जी, ये तीनों बच्चियां मेरी ही हैं। आपकी बच्चियां? कितने बच्चे हैं आपके? मैडम जी, मेरी तीन बेटियां और दो बेटे हैं। इतनी महंगाई के जमाने में इतने बच्चे? बस प्रभु की कृपा है। कौन से स्कूल जाती है ये? ये स्कूल जाकर क्या करेंगी, घर का काम काज सीखे बस, उसमें ही इनका चला जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं? आजकल तो लड़का लड़की एक समान है, अगर ये स्कूल नहीं जाएंगी तो अपनी जिंदगी में कुछ करेंगी कैसे और अपने पैरों पे खड़ी कैसे हो पाएंगी? पढ़ेगा ना पढ़ेगा, ये मेरा बेटा मोनू पढ़ेगा। हाँ हाँ, मेरा ये बेटा पढ़ेगा, अपने और हमारे सबके सपनों को भी पूरा करेगा। हाँ हाँ, जरूर करेगा। आपको पता है ये स्कूल में आपका होनहार बेटा क्या करता है? क्या मैडम जी? आपको पता है कि ये दूसरे बच्चों की किताबें, कापियाँ और यहाँ तक कि पैसे भी चुरा लेता है? क्या स्कूल में चोरी? बोलता क्यों नहीं है? तुम्हारी मैडम सच कह रही है? माँ, माँ, अब मैं क्या करूँ? आप मुझे कॉपियाँ किताबें लेकर नहीं देते, टीचर हर रोज मुझे डांटती है। मैं कितनी बार आपसे मांगता हूँ लेकिन आप मुझे लेकर ही नहीं देते, इसलिए मजबूरन मुझे चोरी करनी पड़ती है। तू बड़ा होकर चोर बनेगा? नहीं माँ, मैं चोर नहीं बनना चाहता, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पिताजी को कहिए ना मुझे कॉपियाँ लेकर दे। मैं कहाँ से तुम्हें किताबें लेकर दूँ? मैं अकेला कमाने वाला और तुम सब खाने वाले, मैं चाहकर भी तुम सबके जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। किशन सिंह जी, माफी मांगना समस्या का समाधान नहीं है। अगर आप समय रहते अपने परिवार को इतना ना बढ़ाते तो आज आपको अपने परिवार के सामने माफी नहीं मांगनी पड़ती। भारत में बढ़ती आबादी एक गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि सरकार ने इस पर नियंत्रण लगाने के लिए बहुत सारे अहम कदम उठाए हैं और हम लोगों को भी सरकार के साथ चलना चाहिए ताकि हम इस उपाय में सफल हो सके। जनसंख्या बढ़ती गई यूं ही बेतरतीब, तो मानव को अन्न जल होगा नहीं नसीब। जनसंख्या की वृद्धि के निकले ये परिणाम, जीवन के हर मोड़